गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम एंड मैं कर रही हूँ यहाँ पर चीकू के साथ उसकी ऑनलाइन क्लास अटेंड। सो यहाँ पर जो है उसके टाइकोंडो की क्लास चल रही थी तो उसके ये पापा का हैंड है, ये उसको साथ साथ करवा रहे थे बिकॉज बच्चों को गाइस गाइड करना ज़रूरी होता है। अभी काफ़ी छोटे हैं ये तो इनको समझानी पड़ती है हर एक चीज़ एंड इसका ये फर्स्ट डे था ऑनलाइन क्लास का तो इसको कुछ आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना है और कैसे नहीं। और साथ साथ जो है मैं ब्रेकफास्ट की और लंच वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रही थी। जो पोहा बना दिया था, सब्जी बना दी थी गोभी आलू की एंड साथ में दूध भी बॉईल हो गया था। तो इसके बाद ये एरोबिक्स की इसकी क्लास हो रही है यहाँ पर, मैं बार बार बीच में आ रही थी इसको बता रही थी एंड करवा रही थी एंड यहाँ पर ना ये हाँफने लग गई थी, ये जंप कर करके ना काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चीकू का आप देख रहे हो, ये ना मतलब कैमरा ऑन देखते ही इसकी बातें चालू हो जाती हैं एंड ये बिल्कुल बातें करने से रुकती नहीं है बिल्कुल भी। सो मैं एक्चुअली इसको ना भूख लगने लगी थी, 11:30 का टाइम हो रहा था। उस मॉर्निंग में इसने थोड़ा सा ही जो पोहा मेरे साथ खाया था एंड दूध पिया था तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक पराठा बनाने लग गई थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे कह रही है कि आपको आपने लिपस्टिक क्यों लगाई, आपने बिंदी क्यों लगाई, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गाइस बच्चों के एंड बिल्कुल ही अनवैलिड से क्वेश्चन होते हैं इनके। तो मैं इसको ना कैमरा सेट करके दे रही थी, इसने हिला दिया था तो इतने क्वेश्चंस करने लग जाती है, ये बताती है सब कुछ एंड कह रही थी गाइज मैं आप सबको गोली से मार दूंगी। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, सब आपको प्यार करते हैं। सो बच्चों की तो बस बातें ऐसी ही होती हैं, अजब नहीं डाली ना, एंड इनकी बातें ऑल तो बहुत क्यूट भी होती हैं। गाइज जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है ना मुझे किचन में लिटरली बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है बिकॉज बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, गर्मी लगती है जिसकी वजह से ना मैं अवॉइड करती हूँ बार बार जाना। मैं सोचती हूँ कि मैं फटाफट से जो है खाना वाना रेडी करूँ और अंदर जाऊँ। यहाँ पे मैंने बना दिया चिकू के लिए, तो सुबह मैंने सब्जी बना दी थी एंड ये साथ में पराठा बना दिया। मैं इसको खिलाती हूँ क्योंकि काफी देर से मुझे बोल रही है मुझे भूख लग रही है मम्मा, सो बस मैं जा रही हूँ इसको खिलाने के लिए। इसके बाद ना मैंने इसको पराठा खिला दिया था, मैं आ गई थी वापस किचन में क्योंकि ऑयल खत्म हो गया था ऑयल कंटेनर में, तो मैं उनको रिफिल करने आ गई थी एंड साथ में जो काले चने थे आज मुझे काले चने बनाने थे तो मैंने सोचा डब्बे में भी ख़त्म हो गया मैं उनको भी फिल कर देती हूँ। सो साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि इनको ना पूछ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, उससे क्या होता है ऑयल बाहर निकलता है जो वो साथ साथ क्लीन हो जाता है। मैं डेली यही करती हूँ जब भी सब्जी वगैरह बनाती हूँ या पराठे वगैरह चीकू के लिए या कुछ भी बनाती हूँ मैं साथ साथ क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो ना वो ऑयल जमता रहता है एंड डब्बे जो होते हैं कंटेनर ऑयल के वो ना ख़राब हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने ना आप देख लो कि वो ना मैंने पैकेट उसमें डालकर रख दिया, उससे क्या होता है जो भी मतलब एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो उसमें ही आ जाएगा, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं पैकेट को ख़त्म होती है एंड डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, इससे क्या होता है एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा वो उसमें आ जाएगा। एंड साथ ही मैं यहाँ पर ना चनों को जो है काले चने जो हैं उनको सोक करके रख दूंगी एंड यहाँ पर जो है मैं बस रायते की तैयारी भी कर रही हूँ। साथ में मैंने ये अनियन एंड बूंदी को ना थोड़ी देर पानी में सोक करके रख दिया था जिससे अनियन की कड़वाहट खत्म हो जाए एंड बूंदी सोक हो जाए अच्छे से। एंड ये मैंने दही में आपने देखा होगा ये ना जो ऊपर से पानी निकलता है ना ये काफ़ी अच्छा रहता है उसके लिए, जो हमारा कड़ी पत्ता होता है ना उसके प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होने के बाद एंड मैं इसको ना कड़ी पत्ते के प्लांट में डाल दूंगी इस पानी को, उससे ना काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। सो यहाँ पे बस मैं बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से रायता बना रही हूँ, बूंदी एंड प्याज डाल के एंड उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी एंड नॉर्मल सॉल्ट एंड उसके बाद बस मैंने यहाँ पे बूंदी एंड अनियन डाल दिया है। एंड गाइज मेरी ना एक्चुअली सांस ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है मुझे ना, तो उसकी वजह से जो है ना मेरी बोलने में मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब जिसको प्रेगनेंसी में ये मतलब मेनली मैंने देखा होती है लेडीज़ को। सो यहाँ पर बस मैं धनिया काट के डाल दूंगी। सो बस हमारा रायता जो है बनके रेडी है, मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूंगी जब मैं बनाऊंगी।
सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहरू इट ब्लॉग्स। सो अभी ना टाइम हो गया 1 बजे का एंड मैं सुबह से जो है आप लोगों के साथ अब मिली हूँ। एंड गाइस, यू वोंट बिलीव कि आज मेरा जो दिन है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है, बहुत ही बिजी रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, एंड प्लस बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, आज से जो है ना चीकू की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं, एंड जैसे कि मेरे लिए आज फर्स्ट डे था उसकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, सो आई वाज नॉट रियली अवेयर अबाउट दैट। मतलब पता नहीं था कि कैसे क्या करना, बिकॉज सब कुछ सेटअप रेडी करना, बच्चे के लिए सब कुछ उसको रेडी करना, क्योंकि उसकी 8 बजे जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी, एंड उसको इतनी मुश्किल से उठाया सुबह, मतलब काफ़ी वो मतलब मशक्क़त के बाद जो है वो उठी, पानी डाला उसके मुंह पे तब जाके वो उठी। उसके डैडी ने भी काफ़ी हद तक मेरी हेल्प करी, एंड वही टाइम होता है मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने का, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया टाइम। एंड हाउस हेल्पर अभी तक जैसे आपको पता है कि वो अभी आई आ नहीं रही है कुछ टाइम से, तो मॉर्निंग में जो है सब्जी बनाई, ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया, देन सबका ब्रेकफास्ट हो गया, चपातीस वगैरह बनाई, अपनी टी बनाई, अपना बनाना शेक बनाया टी बनाने से पहले। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा। एंड गाइज, मैं लिटरली एक बारी फेंट भी हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है ना किचन में, मतलब हो सकता है कि किचन में गर्मी की वजह से मेरे को ज़्यादा जो है घबराहट हो जाती है, उसके बाद मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो गाइज, एंड इस टाइम पे तो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है जल्दी जल्दी, की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैं तो अब बस भगवान जी से यही प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा ये प्रेगनेंसी का टाइम निकले, बिकॉज अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गाइज। एंड जो भी होगा, देखो ऑब्वियसली बच्चा जब हो जाएगा तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, आई नो, बट ठीक है, कम से कम ये होगा कि हेल्थ को इतने इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी हेल्थ को ना। मतलब मैं स्पेक्स भी नहीं लगाती हूँ गर्मी की वजह से, अदरवाइज मुझे दूर का इतना धुंधला दिखता है, ब्लर, एंड लेकिन मैं स्पेक्स इसलिए नहीं लगाती हूँ गर्मी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना फिर स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एंड हेयर भी मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं जूड़ा बना बना के, सो अभी तो बस ऐसे ही है। बाकी अच्छी रही आज फर्स्ट डे था चीकू की ऑनलाइन क्लास का, सो इट वॉज रियली गुड। इसके पापा ने काफ़ी हेल्प करी थी सुबह, जब तक मतलब मैं खाना वाना बना रही थी उन्होंने इसको जो है अटेंड करा। सो इसकी टाइकोंडो की क्लास थी आज, एंड इंग्लिश हिंदी राइम्स थी, सो फन लविंग भी था, एंड प्लस हमारे लिए अच्छा था कि चलो बच्चे का स्कूल अभी जो है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बंद हो गया है ड्यू टू कोरोना, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ऑल्दो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और अभी भी देख लो मेरे घर में एक नई बाई आ चुकी है। हाउ आर यू? तो ये ऐसे कर करके अब पता नहीं है मेरी हेल्प करती है या मेरे लिए और काम बढ़ा देती है, बट जो भी है ठीक है, घर में एटलीस्ट मेरे पास है, क्योंकि बाहर जाती है तो मुझे यही टेंशन रहती है, गर्मी बहुत हो रही है अभी, क्योंकि छोटी है 3.5 साल की है, अब 4 साल की जून में होगी, सो इस वजह से भी है। हाँ, परेशान करती है, बच्चे परेशान करने के लिए ही आते हैं मम्मी पापा को, बट कोई बात नहीं, इनकी परेशानी झेल ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं। तो बस अब जो है रायता वो मैंने डाला है फ्रिज में, रख दिया है थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि सवा एक तो हो गया, मैं 2 बजे तक जो है लंच करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है पूरा दिन में, अभी तो क्योंकि आफ्टरनून ही हुआ है, सो लेट्स सी। देखते रहिए गाइस, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आगे जो भी होगा मैं दिखाती रहूँगी। तो लगने लगी थी काफ़ी तेज़ भूख चीकू को मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी देर खिला दिया था, मतलब 11:30 बजे करीब पराठा, तो उसने तो अभी मना कर दिया था कि मुझे अभी नहीं खाना मम्मा, एंड ये देखो मेरे फेस पे फिर से इसी जगह पे ही सेम, पहले भी निकला था पिंपल, अब फिर से निकल गया है। तो बस मैं चीकू को दिखाती हूँ, एक्चुअली ये जो मेरी बिटिया रानी है ना, ये बहुत तगड़े वाली मतलब कहते हैं ना मूडी है, देखो ये कैसे अभी स्टडी कर रही है, जबकि आज इसको कोई होमवर्क नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है, बट शी सेड मम्मा मुझे स्टडी करनी है। मैंने भी कहा चलो कर लो, कोई बात नहीं, ये किसी भी तरीके से बस बिजी। पढ़ाती हूँ शाम को पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, चाहिए आधे घंटे पढ़े या 20 मिनट पढ़े या 1 घंटे पढ़े, उसकी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। वेरी नाइस, गुड। तो बस अभी जो है ये टाइम पास के लिए पढ़ रही है, आई नो, बट जो भी है ठीक है, पढ़ रही है ना, मेरे लिए इतना ही मोर देन इनफ है,
एंड मैं ले आई हूँ यहाँ पे अपना लंच। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मैंगो पिकल। ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था गाइज, ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था, जैसा आई वॉज लुकिंग फॉर, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये है आलू एंड पत्ता गोभी की सब्जी, ये मेरा बूंदी का रायता, एंड ये रही चपाती। अब आपको खाना है? अब भूख लगी है? आप हमेशा ही ऐसे करते हो, जब मैं अपना खाना लेकर आती हूँ तो आपको भूख लगाती हो, और जब मैं आपसे पहले पूछती हूँ तो आप मना कर देते हो। अब कोई नहीं, खा लो। ये होती है हम मदर्स की जिंदगी, ऐसे ही है। सो चलो मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ गाइज, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइज बस अभी जो है ना, मैं लेटे लेटे काफ़ी देर से, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था, मैं मम्मी से बात कर रही थी, एंड टाइम हो गया 4 बजे का। बस अभी थोड़ी देर में चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं 4:15 तक चाय बना लेती हूँ। एंड ये मैं जब मम्मी से बात कर रही थी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी मैडम क्या कर रही है। इसको जरा देखो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, और पता नहीं कहाँ जाने को रेडी हो गई है। आप मकड़ी क्यों बन गए हो? से समथिंग आपको बोलते नहीं हो, वैसे सारा दिन बड़बड़ बड़बड़ करते रहोगे। वैसे जब कैमरा ऑन करूंगी ना, उससे पहले ये इतना बोलती है, इतना बड़बड़ करती है। एंड ये लेकर आ गई स्विमिंग कॉस्ट्यूम, और इसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है, और इसकी शैतानियां देखो, अब ये फिशी फिशी बन गई है। चीकू ऐसा आप कर लोगी स्विमिंग, है ना? कर लोगे पक्का? अब ये डॉगी बन गई है। बट ना गाइस, ये बहुत अच्छा बच्चा है, मैं से जो भी चीज बोलती हूँ ना, ये मुझे लाकर देती है। किसी इतनी गंदी, अच्छी वाली ये अच्छी थी, मेरी वाली गंदी वाली अच्छी वाली। अब हम टी बनाते हैं, उस हाथ में बिस्किट खाएंगे, ठीक है? गाइस एक बात बोलूं यार, अगर ये नहीं होती ना, मैं लिटरली बहुत बोर हो जाती, बहुत ज्यादा ही बोर। बच्चे परेशान जरूर करते, पर मेरा टाइम पास हो जाता, पूरा दिन मेरा कहाँ निकल जाता ना, मुझे पता ही नहीं चलता। सुबह 7 बजे की उठी है, 7:30 गाइस। बस इसी के साथ इवनिंग के टाइम पे, मतलब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ना जल्दी सब्जी बना के रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है, जिसकी वजह से गर्मी भी कम लगती है। जैसे जैसे रात होती आती है, उस टाइम पे ना गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, तो इस वजह से मैं जल्दी ही जो है सब्जी वगैरह बना के रख देती हूँ। मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कुकर में जो है मैंने तेल डाल के, जीरा डाल के, एंड अनियन को डाल दिया। अनियन को सॉटे होने के बाद, यहाँ पर ना एक्चुअली पानी की छींटे लग गई थी ना मेरे स्पेक्स पे, तो मैं उनको क्लीन करके देख रही थी कि अब ठीक है या नहीं। उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक एंड टमाटो प्यूरी बनाकर, सारा पेस्ट बनाकर मैं बस डाल दूंगी। बहुत ही सिंपल वे से मैं बना रही हूँ गाइस, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी, और हेल्दी भी होती है, बिकॉज ब्लैक चने जो होते हैं ये तो ऑब्वियसली हेल्दी होते ही हैं। सो रेगुलर मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला एंड धनिया पाउडर, ये सब डाल के आप देख, एंड मैंने कस्तूरी मेथी भी डाली थी। एंड ग्रेवी वाली सब्जी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं देगी मिर्च जो कलर वाली होती है कश्मीरी वाली, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, जिससे ग्रेवी का कलर अच्छा है। सो यहाँ पे हैं ये चने एंड आलू, अब मैं इनको डाल दूंगी, क्योंकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। सो बस इसको डालने के बाद, अपने अकॉर्डिंगली आपको जितना भी मतलब ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए, मतलब ज़्यादा तरी या कम तरी वाली चाहिए, मिक्स करने के बाद मैं उसमें पानी डाल दूंगी। सो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 ग्लास जो है पानी डाला है, बिकॉज ये ना एक्चुअली क्या होता है, ये बाद में ना ग्रेवी कम हो जाती है, क्योंकि इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो 1 विसल आने के बाद मैं यहाँ पे गैस को कम कर दूंगी, एंड फिर आराम से इसको 5 से 8 मिनट, मतलब एटलीस्ट 8 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। एंड मीनवाइल जब तक मेरी सब्जी में मतलब सब्जी कुक हो रही थी ना, मैं नीचे चली गई थी, जो हमारा सोसाइटी का ही जो वेंडर है भैया वेजिटेबल वाले, मैं उनसे जो है पोटैटोज, मतलब आलू, धनिया एंड हरी मिर्ची लेने चली गई थी, बिकॉज आलू ना थे नहीं, एंड आलू एक ऐसी चीज़ है वो होने ही चाहिए, वो हर सब्जी में काम आते हैं। एंड मैंने इसी तरीके से मैं हरी मिर्च को जो डंठल निकाल के ऐसे ही रख देती हूँ हमेशा,
इससे ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। सो गाइज बस यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर रेडी। आई होप कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग इन्जॉय करा होगा। इन्जॉय कहते से लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।